वो भी क्या दिन थे बचपन के, जब आसपास कोई नहीं होता था और हम अपने कभी खराब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को खोलकर उसके पार्ट्स जमा किया करते थे, तो कभी अपने 1000 रुपये के टॉय कार से 10 रुपये की मोटर निकाल कर ही खुश हो जाते थे। और अपने घर में रखे टीवी के साथ तो हमने कई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। टीवी के स्क्रीन पर मैग्नेट टच करने से जो उसमें कलरफुल पैटर्न्स बनते थे उसे देखकर तो दिल खुश हो जाता था। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों पुराने टीवी के स्क्रीन पर मैग्नेट टच करने से उसके कलर्स डिस्टॉर्ट यानी ख़राब हो जाते हैं? और आजकल जो LED और LCD टीवी होते हैं उनमें पुराने टीवी की तरह मैग्नेट की वजह से कलर्स ख़राब क्यों नहीं होते? तो इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। दोस्तों, आपने गौर तो किया ही होगा कि जो टीवी आपके घर में पहले हुआ करते थे वो आजकल के टीवी के मुकाबले बहुत ज़्यादा चौड़े होते थे, और वो कोई आम टीवी नहीं बल्कि द लेजेंड CRT टेलीविज़न यानी कैथोड रे ट्यूब वाले टीवी होते थे, जिनमें वो टीवी के स्क्रीन पर इमेजेस को इलेक्ट्रॉन्स की मदद से प्रोड्यूस करते थे। और ये इलेक्ट्रॉन ही सबसे बड़ा कारण है कि पुराने टीवी में मैग्नेट की वजह से कलर्स ख़राब हो जाते हैं। एक CRT टीवी में 3 इलेक्ट्रॉन गन होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, जिसे हम RGB भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन गन्स कोई बंदूक नहीं होते, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को टीवी के स्क्रीन पर हिट करते हैं, जिसके कारण फॉस्फर ग्लो करने लगता है। गाइस, ये फॉस्फर कोई मशीन नहीं है बल्कि एक केमिकल है जो लाइट को एमिट करता है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन गन से निकला इलेक्ट्रॉन फॉस्फर से टकराता है तब फॉस्फर चमकने लगता है और वो स्क्रीन पर एक स्पेसिफिक कलर शो करता है। और जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन टीवी के स्क्रीन के कई जगह को हिट करते हैं तो उसके कारण कई फॉस्फर चमकते हैं और हमें पूरी इमेज शो होती है। लेकिन जब हम किसी मैग्नेट को टीवी के स्क्रीन के पास ले जाते हैं तब उस मैग्नेट से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं और वो इलेक्ट्रॉन टीवी के स्क्रीन के किसी और जगह को हिट करते हैं, जिससे टीवी के कलर मैसअप हो जाते हैं और उसी वजह से हमें टीवी में लाइंस देखने को मिलती है और टीवी के कलर्स डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। ये मैग्नेट आपके टीवी को परमानेंट डैमेज भी कर सकते हैं। मैग्नेट सिर्फ CRT टेलीविज़न को ही हार्म करते हैं लेकिन LED और LCD को नहीं, क्योंकि LED और LCD टीवी किसी भी इमेज को इलेक्ट्रॉन की हेल्प से नहीं बल्कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की हेल्प से प्रोड्यूस करता है, इसलिए आपके LED और LCD डिस्प्लेस पर मैग्नेट का कोई फर्क नहीं पड़ता। जब से तू मिला ना, अपना तो आतंक ही खत्म हो गया है यार। गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों टीवी के करीब मैग्नेट ले जाने पर उसके कलर्स खराब हो जाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो आखिर क्यों पाकिस्तान ने बनाया दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।